काफ़ी जगह पे बात की गई है थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ की, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स में आया कि थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या है थ्रेट्स, क्या है वल्नरेबिलिटीज़, डिफाइन करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आइए देखते हैं क्या है थ्रेट्स, क्या है वल्नरेबिलिटीज़। तो जो ये लिस्ट ऑफ थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये आपको हेल्प कर सकता है रिस्क असेसमेंट में। अगर आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, और किस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसको कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये जो लिस्ट आगे हम डिस्कस करेंगे, जो लिस्ट ऑफ थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज अभी हम डिस्कस करेंगे, ये केवल रेफरेंस के लिए है। आप इसको फाइनल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज की रिस्क होती है, एक लिस्ट होती है जिसके थ्रू वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये केवल एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे थ्रेट्स के, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे वल्नरेबिलिटीज के। तो क्या है थ्रेट, आइए देखते हैं। थ्रेट है पोटेंशियल कॉज ऑफ एन इंसिडेंट दैट मे रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज्ड बिजनेस ऑपरेशंस। एक पोटेंशियल कॉज, एक इंसिडेंट का जिसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है या फिर आपका बिजनेस ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। थ्रेट्स हो सकते हैं, इंसिडेंट्स हो सकते हैं उनकी वजह से। किस तरह के थ्रेट्स हैं, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एक्सेस टू नेटवर्क बाय अनऑथोराइज पर्सन्स, आपके नेटवर्क को अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस कर लेता है, मान लीजिए हैकिंग अगर पॉसिबल आपके नेटवर्क पे हो जाती है किसी भी कारणवश, तो एक थ्रेट है आपके डेटा को। डिजास्टर हो सकता है, किसी भी तरह का डिजास्टर हो सकता है, फायर फ्लड हो सकता है, उसकी वजह से भी आपका बिजनेस ऑपरेशन हैम्पर कर जाएगा, तो ये भी एक थ्रेट है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके डेटा के लिए। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपकी अगर किसी ने लीक कर दी, किसी ने अगर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपके कुछ यूजर ने पासवर्ड कुछ भी अगर डिस्क्लोज कर दी है, तो एक थ्रेट है आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा, क्योंकि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अगर आपकी कंपनी की किसी ने लीक कर दी, तो ये भी एक तरह का थ्रेट है। मेलिशियस कोड, मतलब कोई भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर, कोई भी मेलिशियस वायरस, कोई भी मालवेयर अगर आपके नेटवर्क में घुस जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं लोग, आजकल बहुत तरह की सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट्स चल रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं मेरे बाकी वीडियोस में, मैंने डिस्कस किया है सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, तो काफ़ी तरह के अटेम्प्ट लोग करते हैं, तो उससे भी एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को थ्रेट है आपके डेटा सिक्योरिटी को। थेफ्ट हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अनइंटेंशनल चेंज ऑफ डेटा, मान लीजिए किसी ने ना चाहते हुए डेटा में कुछ चेंजेस कर दिया आपके, तो वो भी एक तरह का थ्रेट है क्योंकि उससे आपके डेटा में चेंजेस हो गए। अनऑथोराइज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि किसी ने जो कि अनऑथोराइज था, उसने आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिया है, उसने आपके रिकॉर्ड्स के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। अनऑथोराइज इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए आपके इन्वायरमेंट में जो कि अनऑथोराइज थे, ये भी एक थ्रेट है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपने ऑथोराइज नहीं किए अपने एनवायरनमेंट के लिए। अनऑथोराइज फिजिकल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस अगर किसी ने ले लिया है आपके एनवायरनमेंट में, तो वो भी आपके एनवायरनमेंट में डेटा को हानि पहुंचा सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हानि पहुंचा सकता है। अनऑथोराइज यूज़ ऑफ कॉपीराइट मटेरियल, अगर आप कॉपीराइट मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में अनऑथोराइज तरीके से, तो ये भी एक थ्रेट है। तो अनऑथोराइज यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए आपने लाइसेंस सही से ऑब्टेन नहीं किया, तो ये भी एक आपके बिजनेस ऑपरेशंस को हैम्पर कर सकता है एज एन इंसिडेंट, तो आपको लीगल तरीके से ही सॉफ्टवेयर परचेज करके यूज़ करने चाहिए। लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज डिस्कस कर सकते हैं थ्रेट्स के बाद। वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी एक वीकनेस है किसी भी कंट्रोल की या एक एसेट की, किस तरह की वीकनेस होती है जिसको कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है, अटैक के लिए, इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए। तो किस तरह की वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, आइए देखते हैं। पुराने पासवर्ड अगर आपने रख रखे हैं और चेंज नहीं किए, तो पासवर्ड्स इजीली लोगों के एक्सेस किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर पुराने पासवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं तो वो
वो पासवर्ड्स ब्रूट फोर्स अटैक से और बहुत तरह के डिफरेंट मैकेनिज्म से पासवर्ड्स निकाले जा सकते हैं. तो पासवर्ड चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्पोजल ऑफ स्टोरेज मीडिया विदाउट डिलीटिंग डेटा. कोई भी अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी प्रकार के लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी अगर आप डिस्पोज करते हैं तो उसका जो स्टोरेज है जो हार्ड डिस्क है उसको आपको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया और अगर कुछ डेटा वहाँ रह गया तो आपका बहुत बड़ा डेटा लॉस हो जाएगा. तो ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है अपने आप में. इनएडिक्वेट केबलिंग सिक्योरिटी. जितना भी केबल्स आपके नेटवर्क के थ्रू जा रहा है जितना भी इन्वायरमेंट में आपकी केबलिंग है वो प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए ताकि कोई भी बीच में वायर्स आपकी टैप ना कर पाए केबलिंग को कोई भी डिसरप्ट ना कर पाए बीच में. चेंज मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में. अगर चेंज मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो एक ये भी वल्नरेबिलिटी है अपने आप में. प्रॉपर तरीके से आप चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अपने इन्वायरमेंट में. इनएडिक्वेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन है आपकी उसको प्रॉपरली क्लासिफाइड होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं तो उसके लिए मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी हैं इस चैनल पर, आप देख सकते हैं. इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ फिजिकल एक्सेस. फिजिकल एक्सेस जैसे कि मैंने पहले भी बात की आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर नहीं करेंगे तो एक वल्नरेबिलिटी है ये अपने आप में. इरेगुलर बैकअप्स. अगर आपके बैकअप प्रॉपर नहीं है तो मान लीजिए अगर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी आपकी ब्रेक करेगी तो एक वल्नरेबिलिटी यहाँ पे एक्सपोज हो सकती है. इनएडिक्वेट पासवर्ड मैनेजमेंट. पासवर्ड जैसा कि मैंने पहले भी कहा पासवर्ड्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे. पासवर्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी. वल्नरेबिलिटी यहाँ पे ट्रिगर हो सकती है. इनएडिक्वेट फिजिकल प्रोटेक्शन. फेंसिंग और गार्ड्स जितने भी तरह के फिजिकल कंट्रोल्स हैं वो होने चाहिए इन प्लेस आपके इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए. इनएडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर इक्विपमेंट. अगर आप पुराने इक्विपमेंट को सही तरीके से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो अपने आप में वल्नरेबिलिटीज है क्योंकि नए पैचेस हो सकता है पुराने इक्विपमेंट्स आपके ना सपोर्ट करें. इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज से मतलब है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड कंट्रोल्स. मतलब कि अगर जिसको जिस ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है जिसको जिस रोल की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी रोल से रिलेटेड उसको एक्सेस दिया जाए. तो इनएडिक्वेट अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ऑपरेशनल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज. अगर मान लीजिए आपके ऑपरेशनल और टेस्टिंग फैसिलिटीज सेम एनवायरनमेंट में है तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकता है. इनएडिक्वेट सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज. तो आपके एम्प्लॉयज को प्रॉपर सुपरविजन की आवश्यकता है. इनएडिक्वेट सुपरविजन ऑफ वेंडर्स. जो भी थर्ड पार्टी वेंडर्स आपके एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उनको भी आपको सुपरवाइज करना ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे हैं किस तरह से आपके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं किस तरह की प्रोसेसेस इन प्लेस हैं वो आपको समझना इम्पॉर्टेंट है. इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़. आपके एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है तभी वो समझ पाएंगे क्या हो सकता है अगर उन्होंने ध्यान ना दिया अपने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर. लैक ऑफ एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी. एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में. ये डिफाइन करता है किस तरह का एक्सेस एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर रोल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाना चाहिए. तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी डिफाइंड होनी चाहिए. अगर ये नहीं होती तो एक वल्नरेबिलिटी यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है. लैक ऑफ क्लीन डेस्क एंड क्लियर स्क्रीन पॉलिसी. तो क्लीन डेस्क का मतलब है पेपरलेस एनवायरनमेंट और क्लियर स्क्रीन का मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना हो जो ईजिली आइडेंटिफाइबल हो और इन्फॉर्मेशन आपकी इम्पॉर्टेंट हो. तो क्लीन डेस्क मतलब आपके डेस्क के ऊपर कोई पेपर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने नोट डाउन किया रखी है. और क्लियर स्क्रीन मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं होनी चाहिए जो ईजिली यूज़ करके कोई भी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर पाए. लैक ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रिमूविंग एक्सेस राइट्स अपॉन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मान लीजिए कोई बंदा छोड़ के जा रहा है तो उसके टर्मिनेशन के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मोबाइल से किसी को भी मेल सेंड कर सकता है आपके एनवायरनमेंट में. कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ध्यान देने पड़ेंगे. लैक ऑफ प्रोटेक्शन फॉर मोबाइल इक्विपमेंट. तो मोबाइल इक्विपमेंट की जहाँ पे बात है कि जितने भी तरह के मोबाइल इक्विपमेंट है उनको प्रॉपरली आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. जितने भी जैसे आजकल चला हुआ है BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस. तो मोबाइल इक्विपमेंट जितने भी आपके एनवायरनमेंट में उनको प्रॉपरली आपको प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा. अगर वो प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो उनके थ्रू भी आपके नेटवर्क में किसी भी तरह के वायरस आ सकते हैं क्योंकि अगर वो प्रॉपरली पैच नहीं है मोबाइल डिवाइसेस तो आपका एनवायरनमेंट को वो वल्नरेबल कर सकता है.
ठीक है, फ्लडिंग के थ्रू भी आपका एनवायरनमेंट वल्नरेबल हो सकता है. अनकंट्रोल्ड डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, मान लीजिए अगर आपने कुछ प्रॉक्सीज और प्रॉपर फायरवॉल्स अगर इन प्लेस नहीं रखे हुए, तो किसी भी तरह का अनकंट्रोल्ड डाउनलोड हो सकता है इंटरनेट से आपके एनवायरनमेंट में. यूज़र राइट्स को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिकली, क्योंकि अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी वीकनेस ट्रिगर हो सकती है. तो ये हमने कुछ देखे सेट ऑफ थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, और हमने जाना किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं, किस तरह की वल्नरेबिलिटीज होती हो सकती हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने यहाँ पे शेयर किए. ये पूरी लिस्ट नहीं है, अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको कई तरह के थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएंगे. बट मेरा थोड़ा सा समझाने का बस ये था कि इस वीडियो से आपको समझ में आ पाए किसको थ्रेट कहते हैं, किसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं, ताकि इन एग्जांपल से मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊँ. अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर मैं थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़ को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा. देखने के लिए धन्यवाद.